की जा रही है। शहर के मुख्य इलाकों में भी चेकिंग हो रही है। फरीदाबाद में विकास दुबे के रुकने और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद नोएडा भी हाई अलर्ट पे है। जहां कोर्ट में पूरे जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया, तो वहीं नोएडा के जो मुख्य इलाके हैं और फिल्म सिटी जहां पर मीडिया चैनल्स हैं वहां पर भी पुलिस को तैनात कर दिया गया है। पुलिस जो है आने जाने वालों की जो गाड़ियां हैं उनकी तलाशी ले रही है। गाड़ियों में जो निकल रहा है बाकायदा गाड़ियों में देखा जा रहा है कि आखिर कौन अंदर जा रहा है। संभावना ये जताई जा रही थी कि हाँ कोई मीडिया चैनल पर विकास दुबे सरेंडर करने ना पहुंच जाए या वहाँ मीडिया चैनल में ना पहुंच जाए, जिसको देखते हुए इस तरीके की तैयारी जो मीडिया हब है नोएडा के 16 की जो फिल्म सिटी है वहाँ पर इस तरीके के जो है चीज़ें बनाई गई हैं। बाकायदा जो चार कोने हैं फिल्म सिटी के अंदर इंटर करने के, उन सारे कोनों पर पुलिस तैनात है। सारे कोनों पर जो है यहाँ पर जो पुलिस है वो तैनात है। सारी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है तभी एंट्री करी जा रही है। तो ये संभावना जताई जा रही थी कि जिस तरीके से फरीदाबाद में रुका था बाकायदा विकास दुबे, कहीं नोएडा में किसी मीडिया चैनल से आ जाए, उसको देखते हुए छावनी में तब्दील कर दिया गया है फिल्म सिटी को। जितने भी एंट्री पॉइंट हैं वहां पर इसी तरीके की चेकिंग चल रही है और वहां पर पुलिस के जवान मुस्तैद हैं और चेक कर रहे हैं हर एक गाड़ी को और आदमी को कि आखिर कौन अंदर जा रहा है और कौन बाहर आ रहा है। कैमरा पर्सन सारित के साथ दानिश, भारत समाचार नोएडा। वहीं नोएडा से ही अगली खबर है जहां पर बिल्डर लगातार डीजी सिस्टम से लूट मचा